My dear children, let us start part 3, chapter 5, The Way the World Looks, NCERT, class 4. In this video, we will discuss about views, top, front and side views, with the help of a beautiful story, Air Journey of Gappu 2. In Air Journey of Gappu 1, we have seen a rat with the help of a balloon go up and see the top view of inside the house and from the top of the colony. Now balloon is going up and up, and what happened? Let us see in the video. So let us start. The balloon went up and up. अब जो balloon था बाहर निकलने का ऊपर ही और ऊपर जा रहा था क्योंकि balloon में gas भरी हुई थी. Gappu kept wondering how big the world is. अब उसे समझ में आ रहा था कि world कितना बड़ा है. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. अब वो बहुत सारे घर, गलियां, रोड, बस देख सकता था. तो अगर आपने हवाई यात्रा की है और एरोप्लेन से जब डाउन देखते हैं हम, तो जितना ऊपर चले जाते हैं उतना बड़ा व्यू हमें दिखाई देने लगता है, उतना ज़्यादा एरिया दिखाई देने लगता है हम लोगों को, और ज़्यादा गलियां, ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं. तो ये जो गप्पू है ये बहुत ऊपर से देख रहा है. These cars and buses look like so small from here. ये देखिए कार जो हैं, ये कार हैं, ये बसेस हैं यहाँ पे, ये कितनी छोटी दिखाई दे रही हैं और लोग भी बिल्कुल चींटियों की तरह दिखाई दे रहे हैं. Wow, is that the train looking like a long box from here? और देखिए जो ट्रेन है ये लॉन्ग बॉक्स की तरह दिखाई दे रही है बस, ठीक है. तो suddenly there was a लाउड साउंड, फट, बहुत तेज आवाज आई. इस चीज की फट की मतलब जो बैलून था फट चुका था. द बैलून ब्रस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड डाउन. बैलून फटने से उसके अंदर की गैस निकल गई और अब बैलून नीचे और नीचे आता जा रहा था. और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो चीजें छोटी होती जा रही थी. उसी तरह से जब उसका रिवर्स हो रहा था, अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन, तो डाउन जा रहा था तो चीजें बड़ी होती जा रही थी. Everything started looking bigger and bigger. Okay, धप, और वो ट्रैक पे आके गिर गया. गप्पू fell on the railway track. He ran to save himself from a cruel Monty. Cruel Monty एक बिल्ली थी जो गप्पू और बाकी चूहों के पीछे दौड़ने लगी. When गप्पू saw the railway track from the above, जब रेलवे ट्रैक को above से देखा यानी टॉप व्यू से देखा, जो टॉप व्यू था रेलवे ट्रैक का वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ठीक है, जिसके अंदर ये जो कैट है, मोंटो कैट है, मोंटी कैट, वो एक खरगोश की तरह दिखाई दे रही है और रेलवे ट्रैक के जो बीच की डिस्टेंस है ये सब में बराबर दिखाई दे रही है. ओके, लेकिन जब वो नीचे गिर गया तो अब उसने साइड से देखा. बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस. रेलवे लाइन कैसे दिखाई देने लगी, वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगी, जो यहाँ से ब्रॉड थी और यहाँ से नैरो होने लगी. ये हमारा सिर्फ व्यू में चेंज है. रेलवे ट्रैक हमेशा बीच में बराबर डिस्टेंस रखता है, ठीक है. तो जब हम साइड व्यू से देखते हैं, लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो चीजें दूर से नैरो दिखाई देती हैं. ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द साइड. Look at these pictures. Discuss why things look wide and big at the one end and narrow from the other end. Okay? तो जिस एंड से हम लोग, ये साइड व्यू है, जिस एंड से हम देखते हैं वहां पे ब्रॉड दिखाई देती है और जो दूसरा एंड होता है वहां नैरो दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो गई है. जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना नैरो दिखाई देगा, जबकि ये डिस्टेंस है बराबर. इसी तरह से इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस और इस कैंडल के बीच में है. बट क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो जितना दूर जाता जाएगा उतना ही ये डिस्टेंस कम हमें दिखनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ क्योंकि साइड व्यू का पर्सपेक्टिव है. ओके, तो जो चीज़ें हैं वो साइड व्यू से अलग दिखाई देती हैं और फ्रंट व्यू से अलग, फ्रंट या टॉप व्यू से अलग दिखाई देती हैं. मैच टू व्यूज ऑफ सेम पोज. ये एक पोज है जिसमें लड़की एक योगासन कर रही है, तो इनमें से कौन सा योगासन है जो इसी का साइड व्यू है, ठीक है.
तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट इमेज है ये इसका साइड व्यू है, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। नाउ देयर आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ सेम बॉल्स, ये जो कटोरियां हैं इनके टू डिफरेंट व्यूज हैं, दोनों ही टॉप व्यू हैं। इसमें जो कटोरियां हैं बाउल्स हैं वो सीधी रखी हुई हैं, इसमें जो बाउल्स हैं वो उल्टी रखी हुई हैं, ठीक है। एक और व्यू है हमारे पास साइड व्यू, इस साइड से देख रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन से वाला है ये, इसका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू टू, टॉप व्यू वन। तो ये जो साइड व्यू है किसका है, यस ये टॉप व्यू वन का है। कैसे पता चल रहा है, इसका जो बाउल का ओपन फेस है वो अबव साइड में है, इसमें बाउल जो है वो अबव साइड में ओपन हो रहा है और साइड व्यू यहां से है क्योंकि पहले ये वाला बाउल दिखाई दे रहा है। ओके, तो टॉप से और साइड से चीजें अलग दिखाई देती हैं। तो देखते हैं कि ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड फनल। तो इसमें से एक पाइप है जिसका साइड व्यू दिया है और टॉप व्यू दिया है, इसी तरह से एक फनल है जिसका साइड व्यू दिया है और टॉप व्यू दिया है। तो ये एक पाइप है जिसका साइड व्यू है, ओके, साइड से ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको टॉप से दिखाई देंगे तो कैसे दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा है गोल वाला वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा जो यहाँ पे छुपा हुआ है। इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं फिर देखेंगे, यस ऐसा हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा पाइप। इसी तरह से फनल है, जब फनल को साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह की दिखती है, मैं आउटलाइन कर देता हूं। और इसी फनल को जब हम टॉप से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि टॉप व्यू से अलग दिखाई देती हैं, साइड व्यू से अलग दिखाई देती हैं, लेकिन हम फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज किसका साइड व्यू है किसका फ्रंट व्यू है। तो ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शू, एक शू की पिक्चर बनानी है साइड व्यू से, टॉप व्यू से एंड फ्रंट व्यू से, और वो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।